The big day is here and Mumbai votes for the richest civic body BMC elections. But as responsible voters, many Mumbai citizens, they came here to vote only to find no names if they are in the voter list. Of course, I'm in the Vikhroli area here where almost 4,000 voters did not have their names in the voter list. I'm joined here by almost 50 voters here, residents here staying in this particular ward. Sir, aap bataiye, aap yahan pe kitne baje aaye aur aapko kab pata chala ki aapka naam nahi hai voter list mein? Sabere mai yahan pe 9 baje aaya aur 9 baje ke baad hum log pura list check कर रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा कहाँ पे नाम नहीं है। गए 25 साल से हम लोग यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। लास्ट 2014 में भी हम लोग वोटिंग किया है विधानसभा के लिए, लेकिन अब भी अपना रिसेंटली मेरा लिस्ट में मेरा मिसेस का मेरा नाम इसमें लिस्ट में है नहीं। मैं, मेरी मम्मी और मेरे सिस्टर हम लोग 3 बजे यहाँ आए। हम लोग हर साल हर वक्त वोटिंग को आते। हमने लोकसभा में भी वोटिंग किया था, विधानसभा में भी किया था, तभी हमारा सबका नाम था। मैंने वहाँ पे लिस्ट में देखा तो नाम नहीं, यहाँ देखा, ऑफिसर को मिलने की कोशिश की तो हमें मिलने के लिए कोई भी ऑफिसर नहीं आया। तभी मुझे बाकी के भाई बहनों ने बताया कि भाई साहब हम वोट करना चाहते हैं, वोटिंग करना चाहते हैं, हम अपना हक को निभाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से करीबन 1400-1500 लोगों का नाम नहीं है। मैं कहता हूँ एक पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गायब है। वोटिंग में हमारा पहला घर आता है, उसके बाद हमारे बाजू वालों का घर आता है। बाजू वालों का नंबर है, उनका वोटिंग है, लेकिन हमारा घर माइनस किया है, हमारा वोटिंग नहीं है। तो मुझे वोटिंग करना है, मेरे पास आईडी प्रूफ है, मुझे कुछ भी करके मैं रुकने वाली हूँ, मुझे वोटिंग करना ही है। मुझे भी वोटिंग करना है, हाँ मुझे चांस दीजिए, मैं वोटिंग। यहाँ पे जो ऑफिसर्स जो बैठे हैं वो अभी क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? नहीं मिलते हो मैडम, यहाँ पे ऐसे सिचुएशन है। कंदमौर नगर, टागोर नगर, ये वार्ड क्रमांक 118 है। यहाँ पे कंदमौर पे 5 बूथ है और टागोर नगर पे 2 बूथ है। मैं आज सुबह से लेके कंदमौर और टागोर नगर के हर एक बूथ में जाके आया, वहाँ पे यही सिचुएशन है। यहाँ पे अपना जो मोबाइल ऐप है 5 जनवरी में जो प्रसिद्ध किया था इलेक्शन कमिश्नर ने, उसमें नाम है वोटर का, लेकिन अंदर जाने के बाद जहाँ पे हमारे पोलिंग एजेंट जो बूथ में बैठे हैं वहाँ पे भी ओल्ड लिस्ट में नाम है, लेकिन जो बूथ के अंदर जो मेन आदमी बैठता है उनके पास जो इलेक्शन कमिश्नर की जो लिस्ट है उसके ऊपर नाम नहीं है करके इनको वोट करने को नहीं दे रहे। हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, जोनल ऑफिसर से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, सब लोग ये जगह पे मौजूद है, लेकिन कोई बाहर आके हमसे डिबेट नहीं कर रहा है। मैं 50 साल से इधर रहती है बिल्डिंग में 26 में, हमारा ए टाइम में नाम नहीं, हमारा औरत का नाम नहीं है। ये कैसा हो गया मालूम नहीं, क्या किया वो? हम सोचता है, बहुत सोचता है इसके बारे में, क्या कैसा लिस्ट बनाया, कौन बनाया लिस्ट पता नहीं है वो। So from all sections, right from senior citizens to even youth for that matter, they do not have their names in the voter list, and they say that this is the first time that they have faced this unique problem, and they had come here to vote but they do not have their name, so they are going back and none of the cooperators, none of the officers sitting in the ward, they are really cooperating with them. So they really demand that they really demand a reply from the state election and also from the ward officers as to why this thing happened. You can watch live TV on our website mbnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.